हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे आपका स्किन केयर कैसे किया जाए उसके लिए मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। दोस्तों कि लॉकडाउन का समय है, आज से भी अभी पार्लर भी बंद होंगे तो लेडीज लोग को अपना स्किन केयर खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको रेगुलर बेसिस पे आप अपने स्किन केयर में CTM जरूर करें। CTM क्या होता है? CTM होता है दोस्तों क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लींजिंग सी फॉर क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसके इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको किसी तरह का फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब आप नहाने के बाद निकलिए तो आप पहले क्लींजिंग मिल से अपने स्किन को जरूर क्लीन कीजिए। कोई भी क्लींजिंग मिल जो आपके स्किन के पे सूट करता हो। जरूरी नहीं है कि मैं अयूर का इस्तेमाल करती हूँ तो अयूर का ही, जैसे मेरे पे लोटस का नहीं सूट करता, ठीक है दोस्तों। आप अपने स्किन सूट जो भी आपको स्किन पे सूट करता है, लोटस का हो या हर्बल का हो या अयूर का हो, आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क आप अपने स्किन के मुताबिक जरूर क्लीन कीजिए क्लींजिंग मिल्क से। फिर आप टोनर क्लींजिंग के बाद टोनिंग कीजिए स्किन को। रोज वाटर एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी टोनर आते हैं दोस्तों, जो आपको अगर अच्छा लगता है तो जो भी टोनर आप यूज करती हैं, क्लींजिंग के बाद टोनिंग जरूर कीजिए स्किन को। फिर उसके बाद दोस्तों मॉइस्चराइजर लगाइए। मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होता है दोस्तों, आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। आपकी स्किन जो टाइट होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके स्किन ढीले क्यों पड़ते हैं, आप स्किन को इतना ना ड्राई कर देती हैं, कोई तरह का क्रीम नहीं लगाती है, सिर्फ फेयरनेस क्रीम लगा देती है कि स्किन फेयर हो। तो फेयरनेस क्रीम में बहुत ज्यादा ब्लीच की मात्रा होती है, स्किन की नमी को कम कर देती है जिससे रिंकल और फाइन लाइंस दिखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जो भी लगाना है लगाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन CTM जरूर कीजिए, मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। मॉइस्चराइजर आप जितना फेस को मॉइस्चराइज करेंगी, ऑयली रखेंगी, उतना आपको फेस बहुत दिन तक यंग दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने डेली रूटीन में दोस्तों CTM जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जरूर कीजिए। इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपको बाहर जाकर फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप अगर आप बोलेंगी कि CTM करने के बाद मेकअप करूं कि नहीं, जी हाँ दोस्तों आप CTM जरूर कीजिए। उसके बाद आप जो भी मेकअप लगाती हैं आप जरूर लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CTM करने के बाद आपकी स्किन खराब नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर से आपके स्किन को कवर कर लेगा। उसके ऊपर लेयर पे आप जो भी क्रीम लगाइए तो आपके स्किन पे कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ढीला नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप अपने डेली रूटीन में CTM जरूर यूज कीजिए। और उसके बाद दूसरा चीज है दोस्त, एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल को आप रेगुलर बेसिस पे एज ए प्राइमर फेस पे, आप जो इतने कॉस्टली ब्रांड के प्राइमर यूज करती है मेकअप करने से पहले, उससे अच्छा है दोस्तों आप एलोवेरा जेल को ही प्राइमर की तरह इस्तेमाल करके देखिए। आपके स्किन काफी फ्लॉवलेस दिखेंगे, आप बहुत स्मूथ दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने डेली रूटीन में CTM कीजिए दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? डेली बेसिस पे आप स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल करिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे आपका स्किन केयर कैसे किया जाए उसके लिए मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। दोस्तों कि लॉकडाउन का समय है, आज से भी अभी पार्लर भी बंद होंगे तो लेडीज लोग को अपना स्किन केयर खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको रेगुलर बेसिस पे आप अपने स्किन केयर में CTM जरूर करें। CTM क्या होता है? CTM होता है दोस्तों क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लींजिंग सी फॉर क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसके इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको किसी तरह का फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब आप नहाने के बाद निकलिए तो आप पहले क्लींजिंग मिल से अपने स्किन को जरूर क्लीन कीजिए। कोई भी क्लींजिंग मिल जो आपके स्किन के पे सूट करता हो। जरूरी नहीं है कि मैं अयूर का इस्तेमाल करती हूँ तो अयूर का ही, जैसे मेरे पे लोटस का नहीं सूट करता, ठीक है दोस्तों। आप अपने स्किन सूट जो भी आपको स्किन पे सूट करता है, लोटस का हो या हर्बल का हो या अयूर का हो, आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क आप अपने स्किन के मुताबिक जरूर क्लीन कीजिए क्लींजिंग मिल से। फिर आप टोनर क्लींजिंग के बाद
टोनिंग कीजिए स्किन को। रोज वाटर एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी टोनर आते हैं दोस्तों, जो आपको अगर अच्छा लगता है तो जो भी टोनर आप यूज करती हैं, क्लींजिंग के बाद टोनिंग जरूर कीजिए स्किन को। फिर उसके बाद दोस्तों मॉइस्चराइजर लगाइए। मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होता है दोस्तों, आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, आपकी स्किन जो टाइट होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके स्किन ढीले क्यों पड़ते हैं, आप स्किन को इतना ना ड्राई कर देती हैं, कोई तरह का क्रीम नहीं लगाती है, सिर्फ फेयरनेस क्रीम लगा देती है कि स्किन फेयर हो, तो फेयरनेस क्रीम में बहुत ज्यादा ब्लीच की मात्रा होती है, स्किन की नमी को कम कर देती है, जिससे रिंकल और फाइन लाइंस दिखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जो भी लगाना है लगाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन CTM जरूर कीजिए, मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। मॉइस्चराइजर आप जितना फेस को मॉइस्चराइज करेंगी, ऑयली रखेंगी, उतना आपको फेस बहुत दिन तक यंग दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने डेली रूटीन में दोस्तों CTM जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जरूर कीजिए। इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपको बाहर जाकर फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप अगर आप बोलेंगे कि CTM करने के बाद मेकअप करूं कि नहीं, जी हाँ दोस्तों, आप CTM जरूर कीजिए, उसके बाद आप जो भी मेकअप लगाती हैं आप जरूर लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CTM करने के बाद आपकी स्किन खराब नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर से आपके स्किन को कवर कर लेगा, उसके ऊपर लेयर पे आप जो भी क्रीम लगाइए तो आपके स्किन पे कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ढीला नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप अपने डेली रूटीन में CTM जरूर यूज कीजिए। और उसके बाद दूसरा चीज है दोस्त, एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल को आप रेगुलर बेसिस पे एज ए प्राइमर फेस पे, आप जो इतने कॉस्टली ब्रांड के प्राइमर यूज करती है मेकअप करने से पहले, उससे अच्छा है दोस्तों आप एलोवेरा जेल को ही प्राइमर की तरह इस्तेमाल करके देखिए, आपके स्किन काफी फ्लॉवलेस दिखेंगे, आप बहुत स्मूथ दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने डेली रूटीन में CTM कीजिए दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, डेली बेसिस पे आप स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल करिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों।